कहाँ गया अपना मार्कर, ये मार्कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लगभग 80 प्रश्न पढ़ेंगे और आपको आंसर देते जाना है। वैसे आंसर उसको जनरली साथ में लिखे हैं मैंने और उसको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करते जाएंगे, और उसके बाद में जहां थोड़ा आपको और उसको कुछ लगे या मैं कहूँगी इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको जरूर वापिस आप थोड़ा सा नेट से उसे बढ़िया तरह से देख लें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अच्छा काम, पहला प्रश्न आपके सामने क्या बोलता है पहला प्रश्न देखो। क्या हाल ही के अंदर केरल सरकार ने विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वाले जो भी पेशेवर लोग हैं उनके नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया है और उसका संबंध किससे है? तो उस प्रोजेक्ट का जो नाम, तो पहले इसके अंदर आंसर दिया है तो आप आंसर दे सकते हैं उसमें कौन सा आंसर है। तो इसके अंदर जो है एक ही बता दिया तो आप जो बता दोगे मैं क्यों किस कलर से मैंने करवा रखा है आंसर। तो क्या है यह ड्रीम केरला प्रोजेक्ट, यानी केरल का ड्रीम प्रोजेक्ट की बात है और उसमें क्या किया जा रहा है बच्चों? तो उसमें ये किया जा रहा है कि वहां की विजयन जो वहां के अपने सीएम है उन्होंने विदेशों से आने वाले और वहां के स्टेट के लोगों का कोरोना के समय में रोजगार चला गया तो वहां उन्होंने एक विशेष प्रकार की योजना चलाई और उसका नाम है ड्रीम केरला प्रोजेक्ट। याद रखना बात को, ड्रीम केरला प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है देखो, ये भी आपके सामने है और इसका आंसर देना आपको। प्रश्न क्या बोला गया है कि व्लादिमीर पुतिन, पहले तो व्लादिमीर पुतिन है कौन? तो यह यहाँ से एक प्रश्न से कम से कम 10 प्रश्न बनेंगे, इसलिए याद रखना व्लादिमीर पुतिन कौन है। तो यह रूस के प्रेसिडेंट है, रशिया के प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति है वहां। और वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट लाया गया, संविधान के अंदर संशोधन किया गया, वहां की पार्लियामेंट बैठी, वहां की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं वहां, ड्यूमा बोलते हैं, है ना। हाँ, तो वहां बैठ करके उन्होंने क्या किया, एक संशोधन किया आरटी अपने और लाया एक संशोधन की कब तक, तो वह 2036 तक वह ही प्रेसिडेंट बने रहेंगे। बड़ी बात है यह, कब यानी कितना साल तक और तक बने रहेंगे, तो 20 हो रहा है तो 16 साल तक और प्रेसिडेंट बने रहे, बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते, बहुत अच्छा। हाँ, तो ऐसे प्रश्न जैसे बोल रहा हूँ कि ट्यूमा क्या है, तो इसको आपको अच्छा, वहां का कॉइन्स क्या, नहीं उसे क्या बोलते हैं, करेंसी, वहां की करेंसी क्या है बताओ, देखे आंसर दो, अब यहां से देना ही पड़ेगा आंसर। तो वहां की करेंसी है रूबल, रूबल वहां की करेंसी है, ट्यूमा वहां की पार्लियामेंट है और व्लादिमीर पुतिन वहां के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। बहुत कट्टर आदमी है, बहुत डेंजर है, आपने देखा होगा अभी कोरोना के हाल के अंदर, हाल ही की बात है, उन्होंने अपनी दो लड़कियों में से एक लड़की को आगे किया कि कोरोना का टेस्ट करो, अगर वह हो सकता है कि उसका जो है अगर गलत वह इंजेक्शन लग जाता या फिर वो रिएक्ट कर जाता तो उसकी डेथ हो सकती थी, है ना। तो फिर भी उन्होंने आगे किया, बिल्कुल रूबल, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ऐसे प्रश्न आएंगे याद रखना। अगला प्रश्न, नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपेक समिट को 2021 को रद्द किया गया। अब अपेक क्या है, समिट, अपेक समिट क्या होता है, पहली बात। दूसरा, वह कौन सा देश है, तो देखो आंसर तो मैंने आपको दिलवा दिया कि कौन सा है, न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड के बारे में जानकारी लेनी आपको, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया और प्रश्न हो गया बस खत्म, नहीं ऐसे नहीं करना होता है बच्चों, उसको पूरी तरह से पढ़ना है, समझना है। अब ये चिली है तो दूसरे है, तो इनके बारे में जानकारी लेनी, एक प्रश्न को सॉल्व करते समय आप उससे 10 प्रश्न बना सकते हैं और आराम से उसके ऊपर डिस्कस करें। पहले तो अपेक क्या है, तो अपेक क्या है बच्चों, यह एक ऐसा एसोसिएशन है जो कि पैसिफिक रीजन जो है उसमें इकोनॉमिकल कोऑपरेशन चलता है वहां, यानी कि क्या आर्थिक सहयोग होता है किसका, जो पैसिफिक पेरिफेरल के अपने कंट्रीज है उनमें, तो वह एक समिट होने जा रहा था। इसका मतलब ये समिट कहाँ होता है, याद रखना, ये अफ्रीका में नहीं होगा कभी, अफ्रीका में क्यों नहीं होगा, क्यों अफ्रीका में कोई पैसिफिक ओशियन थोड़ी लग रहा है, तो जहां जहां पैसिफिक ओशियन का पेरिफेरी पड़ रहा है उसके आसपास के देशों की बात है, थोड़ा अंदर भी हो सकता है जो उन्होंने यस कर दिया था। अब उसमें न्यूजीलैंड में हो रहा था, कहां हो रहा था ये भी पूछा जा सकता है। तो न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर है बच्चों ऑकलैंड, तो ऑकलैंड में यह होने जा रहा था, ऑकलैंड सबसे बड़ा शहर है,
वेलिंगटन उसकी कैपिटल है, कैपिटल तो है वेलिंगटन न्यूजीलैंड की, और उसका जो है सबसे बड़ा शहर है ऑकलैंड। ये नॉर्थ न्यूजीलैंड जैसे तीन द्वीपों पर बसा हुआ है, पहला नॉर्थ न्यूजीलैंड, फिर साउथ न्यूजीलैंड, और फिर एक है स्टेवर्ड आइलैंड। स्टेवर्ड आइलैंड तीन आइलैंड पर है। तो नॉर्थ आइलैंड जो है ना, नॉर्थ न्यूजीलैंड आइलैंड, उसके ऊपर शहर है ऑकलैंड, याद रखना। तो ऑकलैंड के अंदर ये होने जा रहा था, लेकिन ये क्या कर दिया, देखो क्या क्या रद्द करना पड़ा कोरोना की वजह से। यहाँ लगभग आपके प्रश्न में लगभग आज 50% ऐसे प्रश्न आएंगे जो सब कोरोना से ही प्रभावित हुए हैं और इस कारण उनको चेंज करना पड़ा था। आगे बढ़ते, आगे बढ़िए। अरे ओटावा कहाँ है बच्चा, कौन है ये ओटावा? अरे ओटावा कनाडा का सबसे बड़ा शहर है, कनाडा, कनाडा का कैपिटल है ओटावा, और वहां का सबसे बड़ा शहर है टोरंटो। तो ओटावा कनाडा का है बच्चों, है ना? हाँ, कैपिटल, इसकी कैपिटल क्या न्यूजीलैंड की, वेलिंगटन, है ना, याद रखो। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में पाकिस्तानी सेना में पहली एक महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम तो मैंने देखो इसमें आपको समझ में आ गया, क्या है, निगार जौहर। लेकिन निगार जौहर के बारे में जानकारी क्या है आपको, इसको फोटो देना था आपको कि देखो ये फोटो इसका कितना बढ़िया है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि निगार जौहर जो है पाकिस्तान में किस से, किस एरिया से संबंध रखती है? तो वहां पर पीर जार एक एरिया पड़ता है खैबर पख्तूनवा एरिया में, उस एरिया से यह संबंध रखती है, और इसे वर्तमान में इस्लामाबाद का एक मेडिकल हॉस्पिटल है उस एरिया में, और आर्मी का वह उसके अंदर वह अपना कार्यभार संभाले हुए हैं, और पेशे से ये डॉक्टर हैं, याद रखना पेशे से डॉक्टर हैं। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न। वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 के पहले संस्करण में पोडियम स्थान पाने वाले पहले भारतीय कौन है? ये है बच्चों भारत पन्नू, है भारत पन्नू जो है उन्होंने अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया है, कि इसमें पोडियम के अंदर संस्करण में, ठीक है। ये क्या होती है, एक अमेरिका के अंदर एक वर्चुअल रेस होती है बच्चों। अब ये क्या लंबी चौड़ी है, कई पहाड़ नदियां वदियों में से बहुत डेंजरी रूप से उसमें से जाना पड़ता है, लेकिन क्या कर दिया, यह इंडोर कर दी इस बार। कारण क्यों, कोरोना, कोरोना के कारण। तो यहाँ खास बात और ज्यादातर है नहीं, है ना, जहां आएगी कि बहुत डिस्क्राइब करना तो मैं उसमें से आपको बताता जाऊँ। अगला प्रश्न, याद करते जाए इसको, ना नेक्स्ट। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे रंगमंच के क्षेत्र में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, यह महाराष्ट्र सरकार ने नेटवर्य प्रभाकर पणशीर कर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देने से सम्मानित करने की घोषणा की है, या किया जाएगा, उसे दिया जाएगा। उनका नाम है बच्चों रत्नाकर मटकरी, रत्नाकर मटकरी, ये क्या है, अब इसके बारे में जानकारी लें। आपको टेंशन बहुत ज्यादा होती, आप टेंशन फालतू की ना लें, है ना। पीडीएफ क्यों नहीं भेजेंगे बताओ, पीडीएफ जरूर भेजी जाएगी, या अब पीडीएफ का आएगी तो क्या लेना देना, पहले यहाँ याद कर लो, पीडीएफ जरूर आएगी और आपके अंदर से देखते रहना, जीवन में बहुत सारी किताबें इकट्ठी हो जाएगी, उनको पढ़ना है, पढ़ना, बिना पढ़े याद नहीं होगा, तो इसको याद करते जाए। आगे बढ़िए, बहुत अच्छा, मुझे देखो भुला देते हो आप काम की चीजें। तो रत्नाकर मटकरी क्या है, यह एक नाटककार, नाटककार रंगमंच कर्मी और एक कवि हैं बड़े। उन्होंने मराठी के भाषा में, और साहित्यकार भी मराठी, तो कई लेख लिखे उन्होंने नाटकों के अंदर, जो कई काम किया रंगकर्मी के रूप में। और अब इनका बच्चों निधन हो गया है, देहांत हो गया, इनका डेथ हो गई इनकी, इस कारण यह रंगमंच के क्षेत्र में एक भारत सरकार जो है वह एक पुरस्कार देती है, प्राइज देती है, और एक यानी अचीवमेंट पुरस्कार है, कौन सा, यह तो नटवरिया प्रभाकर पणशील लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार होता है, तो वह रंगमंच के क्षेत्र में दिया जाता है, लिखा हुआ है, प्रश्न ये भी आ सकता है, ठीक, भारत सरकार देती है। तो वहां के मुख्यमंत्री कौन है, वहां के मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे, ना, तो उन्होंने इसको देने की घोषणा की है रत्नाकर मटकरी को, याद रखना। आगे बढ़ते, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्लाटीना शुरू किया है? तो प्लाटीना उसका नाम रखा है, प्लाज्मा सेंटर थेरेपी, ये प्लाज्मा जो है थेरेपी टेस्टिंग क्या हो जाता है, प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग यानी PTT की बात कह सकते हैं ना, तो प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग क्या होती है, तो इसको समझो,
होता क्या बच्चों, हमारी बॉडी कैसे काम करती है इसके बारे में, इम्यूनिटी कैपेसिटी के बारे में जानकारी रखनी होगी। होता क्या है कि जब भी कोई भी चीज जब हमारी बॉडी में इंजेक्ट करती है कोई भी बारी आउटर, तो क्या होता है उसको हम बोलते हैं एंटीजन। क्या बोलते हैं? एंटीजन। और जब वो बॉडी में एंट्री करती है तो वह हमारे लिए शत्रु है, हमारी बॉडी के लिए। तो हमारी बॉडी उसको मारने के लिए जो है क्या WBC है, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, तो वह वहां से बनती है और वह उसको जाती है सैनिक के बॉडी के, और वो उसे मारने के लिए जाते हैं। तो कम संख्या में होंगे तब तो उसे हाथों हाथ मार के खत्म कर देगी, लेकिन उसको पहचानना पड़ेगा, क्यों ज्यादा संख्या में होगी तो उसे पहचान करके लंबे समय तक उसको लड़ना है, तो उसको पहचाना जाएगा कि इसे मारा कैसे जाए। तो उसको मारने के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनती है, एंटीबॉडी उस एंटीजन को मारने के लिए। तो जैसे ही कोरोना का हम वायरस एंट्री करते हैं तो क्या होता है, वह वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर क्या बनेगा, उसका एंटीबॉडी बन जाएगी उसको मारने की। तो वह कहाँ, ब्लड के अंदर है, और ब्लड क्या, ब्लड के अंदर प्लाज्मा है और ब्लड कॉर्पस सेल्स है, यानी जिसे हम RBC, WBC और थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। तो जो WBC है वह हमारी बॉडी के सैनिक है, वो उसको मारने का काम करेंगे। तो अब प्लाज्मा में वह एंटीबॉडी बन गई, एंटीबॉडी का मतलब वह WBC ने एंटीबॉडी बना लिया उसे मारने का, तो वह प्लाज्मा निकाला जाता है और फिर दूसरे व्यक्ति पे जो बीमार है उस बीमारी से तो उसके अंदर वह इंजेक्ट करवाया जाता है, तो वह क्या एंटीबॉडी होगी, तो एंटीबॉडी उसको मार देगी, किसको, एंटीजन को, यानी जो बाहर से आया, या वह वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। ऐसे अब ध्यान से सुने इस बात, उस बात को ध्यान से सुने, ठीक है। हाँ अब आगे सुने इसके बारे में, तो यह महाराष्ट्र सरकार में हुआ है, महाराष्ट्र ने इसे जो स्टार्ट किया है, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस देखे गए हैं और मौतें भी वहां ज्यादा हो रही हैं, और इसको रोकने के लिए यह कदम उठाया वहां की सरकार ने। क्या शिवराज सिंह क्या है बच्चों, ना हाँ शिवराज सिंह क्या है और कहाँ है शिवराज सिंह, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है ना। हाँ बच्चों हाथ मुंह धोकर के, आंखें धोकर के आया करके बैठे करें ना, हाँ नहीं तो समस्या में पड़ जाओगे ना। शिवराज सिंह कहाँ का मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र का ना, तो महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं ना, शिवराज सिंह को क्यों ला रहे हैं बीच में, क्या बात है, दोस्ती ज्यादा है आपकी क्या। चलिए आगे बढ़ो, हाल ही में इरेडा द्वारा, या इरेडा का मतलब क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि ये क्या है, भारत का बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण है ये। उसने एक COVID-19 के नाम से एक स्वास्थ्य पॉलिसी बनाई है और उसका नाम रखा है कोरोना कवच। तो ये क्या है, यह एक ऐसी पॉलिसी है जिससे बीमा बनेगा तो उसके अंदर रिकवरी करेगी, किसकी, उस बीमारी से, कोरोना से, कोरोना का बीमा, वो बीमा करवाने पर आपका इलाज फ्री किया जाएगा, ठीक है। ये बात आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, हाल ही के अंदर 36वां आसियान सम्मेलन जो है, आसियान का शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है, इसके बारे में बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 36वां वियतनाम के अंदर हुआ, वियतनाम की कैपिटल पड़ती है हनोई, हनोई रेड रिवर के तट पर है, और उस हनोई के अंदर यह सम्मेलन जैसे शिखर सम्मेलन हुआ है, और वहां कहा गया कि देखो दुनिया में कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसको कैसे रोकना है, तो उसके ऊपर जो चर्चा की गई। याद रखना आसियान होता क्या है, आसियान का मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और इसके अंदर 10 कंट्री है, ये 67 के अंदर बना था 1967 में, और इसका हेडक्वार्टर जो पड़ता है वह जकार्ता में, ठीक है, याद रखने ही है बातों को, जो मैं साइड वाली बोलता हूँ वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, हाल ही में सियरा लियोन गणराज्य में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, पहले यहाँ पे 4-5 प्रश्न बनेंगे, कौन कौन से उनको आंसर देना सभी का, मैं एक एक अलग अलग प्रश्न पूछूंगा, ठीक है। उनका नाम है भारत के, क्या नाम है इनका, राकेश कुमार अरोड़ा, पहले जो है बेल्जियम ब्रुसेल्स के अंदर थे, रहे हुए और भी कई देशों के अंदर ये राजदूत अम्बेसडर रहे हुए, अम्बेसडर का मतलब क्या था, IFS बने थे, और उसके बाद में उनका अलग अलग जगह पोस्टिंग होती है, ठीक है, और काफी
अपने प्रमोशन से ही होती है। अब उनको कहाँ का बनाया गया है, तो उनको सियरा लियोन गणराज्य का अब अगला नियुक्त किया गया राजदूत। अब ये बताना बच्चों, सियरा लियोन कहाँ पड़ता है, सियरा लियोन कहाँ पड़ता है, इसके बारे में जानकारी देनी। ठीक, तो सियरा लियोन जो है वह पड़ता है अफ्रीका का एक देश से, और उसकी कैपिटल पड़ती है फ्री टाउन। क्या है? फ्री टाउन, है ना, याद रखना है, भूलना नहीं है। और उसे कहा जाता है सियरा लियोन वाले एरिया और लाइबेरिया को कहा जाता है ग्रेन कोस्ट ऑफ इंडिया, ग्रेन कोस्ट ऑफ अफ्रीका, है ना। हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राकेश कुमार अरोड़ा, कोई खास प्रश्न वाला पाठ नहीं है, जहां आएगा वो मैं जरूर बोलूंगा कि इसको याद रखना है, हालांकि करंट अफेयर्स बहुत लंबा छोड़ा है। हाल ही के अंदर किसे 2020 के डायना पुरस्कार के लिए चुना गया है, डायना पुरस्कार के लिए फ्रेया ठकराल को चुना गया। फ्रेया ठकराल नाम याद रखना है, और कोई खास बात नहीं है। फ्रेया ठकराल का संबंध किससे है, डायना पुरस्कार के लिए इसे चुना गया है, इसका मतलब किससे संबंध हो सकता है इसका, डायना पुरस्कार किसको देंगे, ब्यूटी के सेक्टर में दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस सरकार ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है बच्चों, कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है, वेस्ट बंगाल की बात, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, वहां का मुख्यमंत्री कौन है, अब हाँ अब आंसर दो, बिल्कुल मुख्यमंत्री वहां का क्या नाम है उसका, ना कौन सी दीदी है वो, ममता बनर्जी। और उसकी कैपिटल क्या है, तो कोलकाता उसकी कैपिटल, ना हाँ। अच्छा, वाइन पुरस्कार भी लेना था, ठीक, तुम्हें दिया जाएगा, सिद्धांत सिंह को दिया जाएगा वाइन पुरस्कार, ठीक है, और पीते रहना सारी रात, है ना, और कल मत बैठना क्लास में। आगे बढ़ो। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। अब इसके बारे में समझो क्या है ये, तो देखो अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस बच्चों 3 जुलाई को मनाया जाता है, और 1926 से मनाया जाता आ रहा है। जुलाई के फर्स्ट वीक में जुलाई का पहला सैटरडे आता है, उस समय मनाया जाता है, लेकिन इस बार यह 3 जुलाई को नहीं मनाया जा करके एक दिन बाद 4 जुलाई को मनाया गया। इंपोर्टेंट प्रश्न बन गया ये, इसीलिए ना, तो यह एक्स्ट्रा बात है, प्रश्न से कंफ्यूज मत बना हो जाना। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे की बात की जा रही है, कब मनाया जाता है, तो 3 जुलाई को मनाया जाता है ना, लेकिन ये क्या है 4 जुलाई को मनाए, ठीक है, नेक्स्ट आगे, लेकिन फर्स्ट सैटरडे की इंपोर्टेंट बात। आगे बढ़िए। हाल ही में आइसलैंड के दोबारा से राष्ट्रपति कौन बने हैं, आइसलैंड कहाँ पड़ता है, उसकी कैपिटल क्या है, और क्या क्या उसके बारे में जानते हो, उसके बारे में प्रश्नों के साथ में इसका आंसर देना है। तो वैसे आंसर लिखा है गुडनी जॉनसन के बारे में लिखा गया, ये आइसलैंड के राष्ट्रपति दोबारा बने हैं। अब वहां कुछ ऐसी प्रथा है आइसलैंड में और आयरलैंड में, क्या पड़ता है कि वहां के जो राष्ट्रपति होते हैं वह अपने ही समान जेंडर से वो शादी करते हैं, ऐसी प्रथा है कुछ वहां रही है ना, यानी कि क्या है इसका मतलब, क्या है कि वह मेल है तो मेल से शादी करके अपना साथी को चुनते हैं, ऐसा सिस्टम चलता है। ये गुडनी जॉनसन की बारे में बात है, ठीक है, तो वह कहाँ राष्ट्रपति बनेगा यानी क्या प्रेसिडेंट बने, कहाँ आइसलैंड, आइसलैंड की कैपिटल क्या है, रिक्जाविक वहां की कैपिटल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। हाल ही में जेनेवा कहाँ पड़ता है, याद रखिए जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ के भारत का स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इंद्रमणि पांडे। इंपोर्टेंट प्रश्न बच्चों, याद रखना ये प्रश्न, क्योंकि यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों में से एक है अब तक जितने भी पढ़े हमने। अब जेनेवा कहाँ पड़ता है, तो जेनेवा पड़ता है जेनेवा झील के तट पर, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, याद रखना स्विट्जरलैंड में पड़ता है जेनेवा, और वहां संयुक्त राष्ट्र का जो एक वहां पर जो एक उनकी यूनिट है वहां उसके के लिए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में वहां भेजा गया है। नेक्स्ट, हाल ही के अंदर नई सदी में क्रिकेट के सबसे वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर्स की लिस्ट जारी की गई है, और इसमें से सबसे शीर्ष पर कौन आया है, मुथैया मुरलीधरन, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी अच्छा प्रश्न है, मुथैया मुरलीधरन।
मुथैया मुरलीधरन ना कहाँ का है, यह किस देश का रहने वाला है? मुथैया मुरलीधरन कहाँ का है? श्रीलंका का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही के अंदर एयरलाइन में टफ कुकी अभियान स्टार्ट किया है, टफ कुकी अभियान, और यह किस एयरलाइंस ने स्टार्टिंग की है? टफ कुकिंग अभियान जो है, यह कैंपेन है, इंडिगो ने किया है। इंडिगो हमारा भारत का एक विमानन सेवा है, उसने स्टार्ट। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने एशिया का पहला कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रबर उत्पादन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? रेबार प्रोडक्शन की बात है, पंजाब ने किया बच्चों, एशिया का पहला कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार। ठीक है, याद रखना है क्योंकि एशिया की बात इंपॉर्टेंट है, पंजाब की, जहां खास आएगा मैं वहां रुक के डिस्क्राइब करूंगा। हाल ही के अंदर राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस या डॉक्टर्स डे, डॉक्टर्स डे कब मनाते हैं? डॉक्टर्स डे, हाँ देख रहे ना बच्चों, है ना, कहीं थोड़ी समस्या। गैल्वेनाइज्ड का मतलब क्या होता है? जिसमें जिंक की परत चढ़ाते हैं, रबर, ऐसा रबर तैयार करने का एक ऐसा यूनिट तैयार किया गया पंजाब में। अब 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर्स डे, ना डॉक्टर विधान चंद्र रे, डॉक्टर विधान चंद्र रे वेस्ट बंगाल से थे, उनके जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है डॉक्टर्स डे, याद रखना ना, 1 जुलाई को मनाया जाता है हमेशा, तो भूलोगे नहीं, याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकारों ने इंद्रव्रज ऐप को लॉन्च किया है? इंद्रव्रज ऐप बिहार ने लॉन्च किया है। अब हकीकत में मुझे जानकारी नहीं है कि ये इंद्रव्रज क्या है, लेकिन इसे नाम से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि इंद्र का मतलब कौन, इंद्र का मतलब कौन है? तो इंद्र दो बातों से यहाँ संबंध होगा, इंद्र का मतलब भगवान, किस कौन से वर्षा वाले, तो इसका मतलब या तो बाढ़ ज्यादा आ रही है और इसको अलर्ट करने की बात की जा रही है, और साथ ही साथ जो कोरोना वाला हम देख ही रहे हैं, तो कोरोना जो फैल रहा है उसका पता लगाना जाए इजी से, और बाढ़ प्रभावित वाले एरिया का पता लगाया जाए, उसके लिए इंद्रव्रज ऐप को लॉन्च किया गया, बिहार सरकार ने लॉन्च किया, याद रखना। आगे बढ़िए, नीतीश कुमार वहां का मुख्यमंत्री, बिल्कुल बहुत अच्छा दोस्ती आपकी गहरी लगती है। आगे बढ़िए, हाल ही में किस बैंक ने जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन की सुविधा स्टार्ट की है? जिप ड्राइव के नाम से की है, वह एचडीएफसी बैंक का नाम है, उसने की है जिप ड्राइव ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन देने की, किसकी? आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मनी के अंदर पीएसडी बैंक नॉर्ड ओपन टूर्नामेंट, टेनिस टूर्नामेंट को जीता है? इसका मतलब वह किससे संबंध रखता होगा, वह खिलाड़ी किससे संबंध रखता होगा टेनिस से, याद रखना, तो सुमित नेगल जो है उसने जर्मनी के अंदर पीएसडी बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। बस यहां से पूछा जाएगा कि जैसे ये खिलाड़ी कहां, ये टूर्नामेंट कहां हुआ, तो जर्मनी में। सुमित नेगल जो है किस खेल से संबंध रखता है, टेनिस से, ऐसे प्रश्न आएंगे ना। नेक्स्ट, आगे बढ़िए, अच्छा, हाल ही में वह कौन सा भात मक कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन बन गई है? ट्रांसजेंडर के बारे में आपको समझना है थोड़ा सा, यहाँ ये प्रश्न इंपोर्टेंट बन गया है। तो इंडिया की, भारत में पहली इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर की बात की जा रही है, और ट्रांसजेंडर ऑपरेटर वो बनी है, कौन है वह, लेडी का नाम है या मेल या फीमेल? तो ट्रांसजेंडर क्या होता है, न मेल है न फीमेल, तीसरा जेंडर है, ठीक है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसजेंडर यूज किया जाता है, याद रखना। कौन है वह, तो जोया खान ट्रांसजेंडर, न मेल है न फीमेल है, तो तीसरा जेंडर ट्रांसजेंडर में आता है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, हाल ही में गुजरात के किस शहर में धनवंतरी रथ मोबाइल वैन लॉन्च की गई है? गुजरात के किस शहर में धनवंतरी रथ मोबाइल वैन, कोरोना का पीरियड है ना, तो वहां क्या है, उसके बचाव के लिए प्रोसेस शुरू किया गया है। हाँ भाई, कौन है ये बच्चा, क्या बात है, पढ़ाई करो पढ़ाई, है ना, रांची से, ठीक है, खुशी की बात है, बिल्कुल, है ना। पढ़ाई पर ध्यान दो, धनवंतरी रथ मोबाइल का मतलब यार रथ के चलने वाली ऐसी वैन
जो धनवंतरी का संबंध किससे, डॉक्टर से ना, डॉक्टर है। तो कोरोना के पीरियड में जगह जगह जाकर खुद वो वैन जाकर के वहाँ लोग जो बीमार है उनका टेस्टिंग करने का काम कर रही है। धनवंतरी रथ मोबाइल वैन अहमदाबाद के अंदर लॉन्च की गई, याद रखना। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, गुजरात में, सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद वहां का गुजरात का, लेकिन उसका हाई कोर्ट है। नेक्स्ट आगे, हाल ही के अंदर क्रिकेट दक्षिण के वार्षिक पुरस्कार 2020 में किस क्रिकेटर को मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है, यह किंटन डी कॉक। किंटन डी कॉक कहाँ का है, कहाँ का है, ये खोजना है आपको, है ना। हाँ, इसे क्या है वार्षिक पुरस्कार, यानी कि इसे दक्षिण के वार्षिक पुरस्कार के लिए से साउथ का एनुअल अवार्ड दिया गया 20 क्रिकेट साउथ का, है ना। क्या नाम है, किंटन डी कॉक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, इनमें से हाल ही में किसने गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया एक किताब लिखी है, इनमें से वह कौन सा है, आर सी भार्गव ने यह गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड्स ऑफ फॉर इंडिया। जनरली इस प्रकार की प्रश्न एग्जाम में ज्यादा आते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। बुक्स किसने लिखी है ना, आर सी भार्गव ने लिखी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, इंस्टाग्राम इज लॉन्च्ड, साउथ अफ्रीका से है, अच्छा अच्छा इंस्टाग्राम इज लॉन्चिंग अ फीचर इन इंडिया बाय द नेम ऑफ टिकटॉक। टिकटॉक के नाम से, हाल ही में इंस्टाग्राम भारत में टिकटॉक की तर्ज पर किस नाम से एक फीचर लॉन्च कर रही है, आपको याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। या रील्स ना के नाम से। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है देखो, किस देश में एप स्टार 6D दूर संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, यह बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। नाम क्या है, एप स्टार 6D, ये क्या काम करेगा, यह दूर संचार उपग्रह है, यानी कि टेली कम्युनिकेशन करवाने का एक सैटेलाइट है, और इसे भेजा है चाइना ने इसको भेजा है, लॉन्च किया है, टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, याद रखना इंपोर्टेंट बात है, बार बार कह रहा हूं, याद रखना है। एप स्टार 6D का संबंध किससे और किस देश ने भेजा है। इनमें से कौन है जिसने ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस 2020 जीत ली है, तो वाल्टरी बोटास है, नाम याद रखना है व्यक्ति का। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में फ्रांस के नए पीएम कौन बने हैं, हाल ही में फ्रांस के नए पीएम प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो नाम लिखा हुआ है जीन कैस्टेक्स बने हैं, नाम याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डायरेक्टर की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं, मार्क्स रैशफोर्ड। अब यह मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी कहाँ पड़ती है पहले तो, ना हाँ मैनचेस्टर की बात है, ब्रिटेन का मैनचेस्टर पड़ रहा है ना हाँ, और मार्क्स रैशफोर्ड जो है किस खेल से संबंध रखते हैं, फुटबॉल से संबंध रखते हैं, उनको क्या दी है मानद उपाधि, यानी कि उसमें पढ़े नहीं है लेकिन उस यूनिवर्सिटी को इतना वह पर्सनैलिटी अच्छी लगी, उसकी वैल्यू इतनी उन्होंने मानी, मान सम्मान दिया, तो उन्होंने अपनी मान सम्मान को देते हुए उन्होंने यह एक उपाधि दी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है देखो, इंडियन रेलवे विल बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन रेलवे ऑन रन ऑन 100% क्लीन एनर्जी अप टू विच ईयर, बहुत बड़ी बात क्या की, यानी स्वच्छ ऊर्जा पर चलेगा कौन, दुनिया का पहला ग्रीन रेलवे बनेगा इंडिया, ऐसा भारत का रेलवे को बनाया जाना, कब की बात है 2030 तक, बुलेट तो आई गई है ना, और ये भी हो ही जाएगा, समझ गए होंगे बात को ना, ग्रीन रेलवे बनने की बहुत बड़ी बात है, प्रयास किया जाएगा तो संभव है ना। देखिए, इंडियन रेलवे हैज constructed which coach for controlling infection of coronavirus pandemic, यह विश्व की महामारी जो है कोरोना पेंडेमिक है उसे बचने के लिए, उसके संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किस प्रकार के कोच का निर्माण किया जाता है, पोस्ट कोविड कोच का मतलब कोरोना के बाद में जो बनाए जा रहे हैं कोच, उन सबको नाम क्या देता है, पोस्ट का मतलब बाद में, तो पोस्ट कोविड कोच। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न क्या बोलता है पढ़ो आप,
और आंसर देना है। अर्जुन निषाद ना, हाँ पढ़ना है कि बाहर निकलना है। आगे बढ़ते हैं। प्रेस अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 में किस प्रचार पत्रकार को पत्रकार है जो उन्हें चुना गया है? अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार की बात है, यानी कि इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड। तो ये चार लोग हैं, कौन कौन से नाम है आपके सामने। हालांकि इस तरह से प्रश्न नहीं बनना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद रखें। करंट अफेयर्स बहुत लंबी चौड़ी चीज है। विच स्टेट्स पोबा रिजर्व फॉरेस्ट विल बी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया प्रश्न है यह, क्योंकि यह नया बात है, नई बात है और ये स्टेबल चीज है। ये ऐसा नहीं कि कल खत्म हो जाएगा, ऐसी चीज नहीं है, या ऐसा कोई प्राइज है जो इस बार इसको मिला अगली बार किसी और को मिलेगा। ये स्टेबल चीज है। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, पहले रिजर्व फॉरेस्ट हुआ करता था, अब क्या बन गया, यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गया है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट बन गया। ये कहाँ है बच्चों? असम में। अब असम में कहाँ पड़ता है इसके बारे में जानकारी थोड़ी सी ले। यह हम बात करते असम वाला पार्ट, देखो इसको थोड़ा सा समझना। यहां से आ रही रिवर कौन सी? यह उसका नाम सांगपो दियांग कहला रही है और यह ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी। यह आ रही है ब्रह्मपुत्र और ये ऊपर, इसे ऊपर वाला स्टेट पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। तो इस ब्रह्मपुत्र के नीचे जैसे हम डिब्रूगढ़ की ओर आते हैं, वहां पर एक जो है एक वहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है और उसे नेशनल पार्क भी बना दिया गया है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। यहाँ इस ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर की ओर बिल्कुल इस अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास यहाँ पड़ता है, इसका अपोजिट में यह पड़ रहा है पोबा। तो याद रखोगे पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को क्या बना दिया गया है? अब वन्य जीव अभयारण्य बना दिया गया है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपके आने लायक है। लगभग 90% इसकी उम्मीद है कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाना चाहिए ना, और पूछा जाएगा इस तरह से। अच्छा आप अपन आसाम से हैं, अच्छा लगता तो नहीं है। मनोब चौधरी, अच्छा ठीक, खुशी की बात है असम से। तो फिर असम से हो तो बता दो जो है। चिल्सर कहाँ पड़ता है, वहां कुछ पता है जानकारी? हाँ तो दे दे, देखें आगे बढ़ते। और हापलांग के बारे में क्या जानते हो वो भी थोड़ी बता देना ना। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाल ही में जानकारी जारी वर्ल्ड मींस बॉक्सिंग रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? अमित पंघाल। अमित, अच्छा प्रश्न है यह। वर्ल्ड मेंस बॉक्सिंग रैंकिंग नंबर फर्स्ट यानी शीर्ष पर है अमित पंघाल ना। हाँ हाँ बच्चे, मनोज चौधरी ये हापलांग क्या है जरा बता दो ना, और लिख के भेजो मुझे क्या है ये, मैं देखना चाहता हूँ कि अगर आपने सही दिया तो आप असम से हो, नहीं तो यहाँ से पेन फेंकूंगा ना। हाँ और लगेगी तो समझ में आएगा, हंस रहा है बच्चा ना। हाँ ठीक है आगे बढ़ो। असम, अच्छा आफ्टर अमेरिका विच कंट्री हैज बैंड चाइनीज कंपनी हुवाई रिगार्डिंग 5G नेटवर्क, ऐसा किसने किया है? यानी कि कंपनी का नाम याद रखना बच्चों, हुवाई। हुवाई ना को 5G वाला नेटवर्क बना रही थी, तो अमेरिका ने तो बैन कर दिया इस कंपनी को कि नहीं है, क्योंकि इसे कोरोना फैलने की समस्या बढ़ने वाली है। ये भी देखो इससे संबंधित बता रहे। अब दूसरा वो भी देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने भी कहा कि नहीं, हम इसका जो है जो ये इसको हम स्वीकार नहीं करते 5G, हम जो है इससे जो भी कुछ आदान प्रदान है वो नहीं करेंगे। ठीक है, ब्रिटेन के बारे में याद रखना। आगे बढ़ते अगला। चलिए इनमें से IIT स्टूडेंट्स लॉन्च द कोपल 90 एप्स हाल ही में किस IIT के छात्र ने बनाया है? IIT दिल्ली, याद रखना है कोपल 19 यानी कि कोरोना से संबंधित है, उन्होंने क्या बनाया है, एक नया ऐप लॉन्च किया है कोपल 19। कहाँ के स्टूडेंट हैं? IIT दिल्ली से। आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज अनाउंस्ड टू बाय 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल फ्रॉम विच कंट्री? भारत ने 72,000 SIG 716 जो है असॉल्ट राइफल खरीदने की
घोषणा की है किस देश से खरीद रहा है या अमेरिका से खरीद रहा है। अच्छा मनोज चौधरी सर साइंस लेके पढ़ रहा है, ज्योग्राफी नहीं आ रही है। अच्छा बढ़िया बात है, जिस राज्य का खाते हो पीते हो उस राज्य के बारे में जानकारी नहीं है ना, फिर क्या करेंगे बताओ। जानकारी रखने जरूरी, आगे बढ़िए। 100% ऑफ द हाउस होल्ड हैव बिकम द फर्स्ट स्टेट विच एलपीजी कनेक्शन 100%। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में यह आना तय है, याद रखना। 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन बना गया, ये इतिहास बन गया है, प्रश्न आना तय है आपके ना, तो वह बन गया कौन सा, हिमाचल प्रदेश 100%। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है देखें और आंसर दें जल्दी से। एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने, लियोनेल मेसी, बहुत इंपॉर्टेंट और पर्सनलिटी है, फेमस पर्सनलिटी है लियोनेल मेसी ना, कहां से है इसके बारे में भी जानकारी दें। देखें मैं समझूंगा कि रियल में जानते हो थोड़ा फुटबॉल के बारे में। लियोनेल मेसी ने एक ही सीजन में 20 गोल किए, ठीक है हाँ आगे बढ़िए आगे बढ़िए। अच्छा अर्जेंटीना से है, बहुत अच्छा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इफ इट ब्लीड्स, इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, ये पुस्तक के लेखक कौन है, स्टीफन किंग, स्टीफन किंग इस किताब के ऑथर है, नाम याद रखना थोड़ा सा ना, और लेफ्ट राइट आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है, गूगल, ये हाँ चीजें कुछ ऐसी हैं जिनको आपको नॉर्मली याद रखने वाली बात है, लेकिन ऐसी नहीं कि प्रश्न आते ही ऐसे, लेकिन गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म से कितने प्रतिशत, क्योंकि जियो कंपनी इंडिया से और इसीलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म से 7.73% हिस्सेदारी खरीदी है ना, याद रखना बात। अगला प्रश्न क्या बोलता है देखो, हु बिकेम द 66 शतरंज ग्रांड मास्टर ऑफ विच कंट्री, यानी कि 66वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है, इनमें से देखना है और नाम सुनना है। देखो ग्रैंड मास्टर किसका, शतरंज का, चेस की बात है ना, तो देखो कौन है, जी आकाश, जी आकाश के बारे में नाम है, वह शतरंज से संबंधित है, ठीक है। भारत का बहुत बड़ा एक व्यक्ति नाम रहा हुआ है जो बहुत लंबे समय तक शतरंज से संबंधित था, बहुत ना, विश्वनाथन आनंद के बारे में मैं कह रहा हूं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए अगला प्रश्न। भारत में एकमात्र गोल्डन बाघ, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, गोल्डन बाघ यानी टाइगर, अपने गोल्डन टाइगर्स के बारे में बात कर रहे हैं, गोल्डन टाइगर, ओनली गोल्डन टाइगर हैज बीन सीन इन विच स्टेट, तो असम के अंदर देखे जाते हैं बच्चों, असम में मानस वाला नेशनल पार्क आपने नाम सुना है, काजीरंगा नेशनल पार्क सुना है, तो यानी असम के उच्च एरिया में बेल्ट में गोल्डन टाइगर्स पाए जाते हैं, इंपोर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है। अच्छा रॉसी रोनाल्डो, रोनाल्डो भी बिल्कुल फुटबॉलर था, बिल्कुल ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभियान में सम्मिलित करने का निर्णय लिया है, याद रखना, यानी हर साल मालाबार के ऊपर नौसेना, मालाबार तट है, कोस्ट है केरला का, वहां पर नौसेना यानी कि नेवल जो है प्रैक्टिस होती है, अभ्यास होता है किसका, नेवल का, तो उसको हर साल वहां जब भी अभ्यास होगा, प्रैक्टिस होगी, ड्रिल चलेगा, तो उसके अंदर किस देश को वह सम्मिलित करेगा, तो वह ऑस्ट्रेलिया को सम्मिलित करेगा, याद रखना, अच्छा प्रश्न है, बढ़िया। एनुअल मालाबार नेवल एक्सरसाइज जब होगी तो उसे वह सम्मिलित बुलाएगा और साथ में प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किस राज्य ने गुमशुदा बच्चों का, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, गुमशुदा यानी जो गुम गए बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है, ऑपरेशन मुस्कान है ना, आंध्र प्रदेश, ऑपरेशन मुस्कान, जो बच्चे गुम गए हैं गायब हो गए हैं उनके लिए ऑपरेशन मुस्कान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, पढ़ो और आंसर दो। अगला प्रश्न का आंसर दीजिए, बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ कौन नियुक्त है, हेमांग अमीन, नाम याद रखना है, हेमान अमीन है ना, अब कहां के हैं
कौन है इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी लेनी है, बस जानकारी जहाँ इम्पोर्टेंट होगी मैं जरूर उसके बारे में बता दूंगा ना। हाँ, झारखंड की स्थित भारतीय कृषि, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार आने लायक और आएगा ही ऐसा मुझे लग रहा है। पहले सुन ले, देखते पता चल जाता है कौन सा प्रश्न कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो जितना ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके ऊपर जरूर मैं जो है ज्यादा गौर करवाऊंगा कि इसको रुको और आराम से पढ़ो। क्या है देखो, हाल ही के अंदर झारखंड के अंदर भारतीय कृषि अनुसंधान यानी कि ICAR का एक यूनिट है, उसका नाम जो बदल करके रख दिया है, चेंज कर दिया ICAR का नाम वहां बदल करके क्या किया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम दिया गया है, याद रखना इस बात को, इंपोर्टेंट प्रश्न है झारखंड का ही, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला, किस देश की रेलवे ने ओवरहेड लाइन को सीधे बिजली देने के लिए दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है, इंडिया ने, रेलवे ने ओवरहेड लाइन को सीधे बिजली देने के लिए, ठीक है ना, हाँ डायरेक्ट बिजली मिलेगी सौर ऊर्जा से, वैसे यह क्योंकि पूरे इंडिया की बात है ना, हम आगे बढ़ते रेलवे से संबंधित ऐसा माना जा रहा है, तभी तो दे आया था क्या ग्रीन रेलवे की तरह बना दिया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, न वह डीजल से चलेगा, न वह कोयले से चलेगा, न वह लाइट से चलेगा, वह सोलर पैनल लगाए जाएंगे उसके ऊपर, कोच के ऊपर, और वह लाइट पकड़ता रहेगा और वहां से वह आगे बढ़ता रहेगा, यानी कि उसको एनर्जी वहां से मिलेगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या देखो, कि किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया, डॉक्टर पारंग चिटनिस है ना, इंपोर्टेंट प्रश्न है, पारंग चिटनिस, उन्हें भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक है, तो भारत का रहने वाला लेकिन वहां मूल ओरिजिनल है लेकिन रहता कहां है, अमेरिका में, उनको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का, ठीक है याद रखना NIFA। आगे बढ़ते हैं, गोल्डन बर्ड विंग, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है ना, हाँ यह वाइल्ड लाइफ से आया हुआ प्रश्न है, तो गोल्डन बर्ड विंग प्रजाति यानी कि एक स्पीसीज है, उसका संबंध किससे है, तो तितली की वह है, ठीक है तितली की है, वेस्टर्न घाट में बच्चों देखी गई है ना। आगे बढ़ते हैं, गोल्डन बर्ड विंग, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने भविष्य नाम से एक सेविंग अकाउंट की शुरू की है, तो फाइनो पेमेंट बैंक ने शुरुआत की, ठीक है आगे बढ़ते हैं, बटरफ्लाई, यहाँ बिल्कुल तितली बटरफ्लाई एक ही बात होती है, तितली और बटरफ्लाई, आगे बढ़े, इप्सका के पहले चेयरमैन कौन बन गए, इप्सका के इंजेती श्रीनिवास जो है वह इप्सका के पहले चेयरमैन बने हैं। अब इप्सका क्या है, फुल फॉर्म ढूंढनी पड़ेगी आपको ना, देखिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न, विच स्टेट्स पोबा रिजर्व, अभी अभी ये आ गया प्रश्न, रिपीट हो गया है ना, पोबा बार बार आएगा तो पोबा से याद रह जाएगा, कौन सा, असम में, मैंने बताया ब्रह्मपुत्र रिवर के नॉर्थ में पड़ता है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते, विच स्टेट सीएम के पल निवासन हैज बीन ऑनर्ड विथ पॉल हैरिस फॉलो रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि किस राज्य के मुख्यमंत्री के पलिनी स्वामी को हॉल हैरिस फॉलो सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो पली निवासन कहाँ से है, तो तमिलनाडु से है ना, तो ये आपको याद रखना है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है पॉल हैरिस फॉलो सम्मान क्या होता है, ये कौन सा एक ऑनर्ड है, रिकॉग्नाइजेशन है, तो यह पॉल हैरिस जो है ये क्रिश्चियनिटी से संबंधित है बच्चों, है ना, क्रिश्चियनिटी से संबंधित। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, हाल ही के अंदर अमेरिकी नौसेना में सम्मिलित होने वाला पहली अश्वेत महिला, इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कारण क्या, अश्वेतों को वहां पर आगे नहीं दिया जाना और वो भी फीमेल की बात है, तो पहली अश्वेत महिला जो अमेरिका नौसेना में सम्मिलित हुई है, मेडलिन स्विगल है, याद रखोगे, भूलोगे नहीं, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये पायलट बन गई है वहां, अश्वेत महिला पायलट बनी है नौसेना ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है देखो, किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि खत्म करने की घोषणा की है, हांगकांग कहाँ पड़ता है, चाइना के साउथ में पड़ता है, उसका ऑटोनोमस फिर भी उसका अधिकार है, हालांकि वो अलग देश है, उसके ऊपर ब्रिटेन का कब्जा था पहले, उसे ब्रिटेन ने कहा था 97 में बोल दिया था कि इसको मैं आजाद घोषित कर दिया, लेकिन चाइना बोल रहा है कि नहीं अब मेरा देश मेरा भाग है,
और वहां के लोग वहां पर क्या कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं कि नहीं, हम इसके चाइना के साथ नहीं रहेंगे। अब उस देश के साथ में ऑस्ट्रेलिया की जो प्रधानमंत्री ने वहां के हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि थी, प्रत्यर्पण संधि का मतलब क्या होता है, मान लो ऑस्ट्रेलिया का कोई अपराधी जाकर के वहां छुप गया है, या वहां का कोई क्रिमिनल आकर के इंडिया में, वहां अपने ऑस्ट्रेलिया में छुप गया है, तो उन दोनों देशों के बीच में एक ट्रीटी होती थी कि वो एक दूसरे के अपराधियों को क्या सौंप दे, प्रत्यर्पण संधि बोलते थे इसे, है ना, उसको जो है एक्स्ट्रा डिक्शन बोलते हैं, ट्रीटी, एक्स्ट्रा डिक्शन ट्रीटी, तो वह उसने खत्म कर दी, याद रखना। अच्छा प्रश्न ये भी, अगला प्रश्न, हाल ही के अंदर महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो एके श्री कुमार ने लिखी है, एके श्री कुमार। अब मुझे इतनी बताने की आपको जरूरत नहीं है कि महावीर किस धर्म से संबंध है, महावीर किससे संबंध रखते हैं, जैन धर्म से, द सोल्जर हु नेवर डाइड, ठीक है, एके श्री कुमार ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं, महावीर किसको बोलते हैं, जो कभी महावीर मरे नहीं, ऐसा ना, देखें महान व्यक्तियों के बारे में लिखा गया। हाल ही में किस देश में गोल्ड से बना पहला होटल खोला गया, बहुत अच्छा बात है, ये प्रश्न 2-3 बार रिपीट भी हो गया बच्चों, अलग अलग कंपटीशन। आगे बढ़ते, अच्छा नहीं, वियतनाम, वियतनाम ने गोल्डन होटल की बात है, गोल्ड से बना हुआ पूरा होटल वहां पर खोला है, पहला होटल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते, अगला प्रश्न, हाल ही में किसे 2020 का ईयू ईयू ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड मिला है, तो IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को ना, हाँ, ईयू ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। अब क्या है, 2020 का दिया गया ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड का मतलब क्या है, जहां पॉल्यूशन कम से कम हो, ऐसा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 में सबसे ज्यादा अफीम किस देश ने प्रोड्यूस की है, प्रोडक्शन की है, और किस देश में जब्त की गई है। देखो दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम का प्रोडक्शन जो होता है वह कहाँ होता है बच्चों, मैंने आपको प्रश्न पहले भी करवाए, अपना अफगानिस्तान में होता है, अफगानिस्तान में होता है, और अफगानिस्तान में वहां की तस्करी हो रही थी, तो तस्करी में जब्त की गई, पकड़ी गई, ठीक, पॉपी, अफीम, पॉपियम क्या बोलते हैं, ओपियम है ना, ओपियम, अफगानिस्तान से। नेक्स्ट आगे बढ़ते, अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने लोन इन सेकेंड सेवा शुरू की है, लोन इन सेकेंड यानी कि कुछ ही समय के अंदर, सेकेंड के अंदर जो है लोन मिलेगा, यस बैंक ने, डूबने वाला था, डूब रहा था या बचा लिया, अब सेकेंडों में लोन दे रहा है, खुशी की बात है, बिल्कुल आपको बता दिया जाएगा बच्चों, शांति, चिंता ना करें, भेज दी जाएगी आपको PDF, भेज दी जाएगी। नेक्स्ट यस बैंक के बारे में, अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नकारा सम्मान योजना शुरू की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नकारा का मतलब जिनके पास कोई काम नहीं होते उसे कहते हैं नकारा, लेकिन ये नकारा वो नकारा नहीं है, ये कर्नाटक कन्नड़ भाषा का शब्द है, इसमें क्या लिखा है, नकारा लिखा हुआ है, देखो हाँ, नकारा सम्मान अपना सम्मान योजना, यानी ये क्या है, बुनकरों के लिए, जो वीवर्स हैं उनके लिए, ताकि उनको क्या है, काम मिले बच्चों, रोजगार मिले, इसी के लिए किया गया, ठीक है। आगे बढ़ता है, अरे यस बैंक कहाँ है, भारत में है, हाँ, यूरोपियन यूनियन की बात है ना, ये छोटी छोटी चीजें तो जानकारियां होनी चाहिए बच्चों, आपको इतनी जानकारी नहीं रखोगे तो क्या करोगे ना, EU यानी यूरोपियन यूनियन, और यस बैंक कहाँ है, भारत का बैंक है, भारत के अंदर फैला हुआ है, पता ही आपको ना, हाँ, अभी डूबने जा रहा था बैंक, उसको जो है फिर बाद में जो है RBI ने सपोर्ट करके उसे जिंदा रख दिया ना, नहीं तो डूब जाता। आगे बढ़िए, नकारा योजना जो जरूर याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ती है, हाल ही में किस राज्य के नादौन पुलिस थाने में, नादौन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, नादौन नाम का याद रखना है, पुलिस थाने को देश के सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है, तो एक तो क्या LPG 100% वाला बन गया है कौन, हिमाचल प्रदेश, और दूसरा ये नादौन है ना, इस पुलिस थाना पूरे इंडिया में सबसे टॉपेस्ट, सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है पुलिस थाना बन गया हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, अच्छा हिमाचल प्रदेश का कहाँ गया बच्चा, वो ना जो शिमला से था, नादौन कहाँ पड़ता है बता बच्चे ना। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी, बहुत अच्छा प्रश्न है,
किस देश के राष्ट्रपति बने? देखो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया ये। संतोख, चंद्रिका प्रसाद संतोखी यानी भारतीय मूल से है और किसके राष्ट्रपति बने? सूरीनाम के। सूरीनाम, सूरीनाम कहां पड़ता है बच्चों? सूरीनाम ये साउथ अमेरिका का है और उसकी कैपिटल क्या है याद रखनी है। उसकी कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन है कि पारामारिबो है ना, तो याद रखना, उसमें से बताना दे के क्या है ताकि समझ में आए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सूरीनाम साउथ अमेरिका, क्योंकि वहां भारतीय मूल के काफी लोग रहते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने वहां पर गन्ने की खेती करने के लिए उस एरिया में भारत के बहुत सारे लोगों को गिरमिटिया के रूप में ले गए थे। गिरमिटिया का मतलब एग्रीमेंटिया को बोलते थे, यानी 5-5 साल का एग्रीमेंट बना करके वो ले गए थे। अब वहां के लोग राष्ट्रपति बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, क्यों? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई तो फिर वो जीतेंगे ही, है ना, इस तरह से ना। तो आगे याद रखो, ठीक है, पारामारिबो, ठीक है, याद रखो। किसी बच्चे ने आंसर दिया बिल्कुल पारामारिबो, तो ऐसे भी प्रश्न के आंसर देते रहे बच्चों। नेक्स्ट आगे, अगला प्रश्न क्या है देखो, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स फर्स्ट रेस, अभी अभी हमने कहा था प्रश्न यह वैसे रिपीट हुआ है, वाल्टर बोटास ग्रैंड प्रिक्स फर्स्ट रेस 2020 जीत लिए, वाल्टरी बोटास ने, ठीक है, अभी अभी प्रश्न का रिपीटेशन हुआ है। अगला प्रश्न देखो क्या है, देखो रीवा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट जिसे एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहा जाता है, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो रीवा कहां पड़ता है बच्चों? तो यह बघेलखंड का एरिया है, बघेलखंड के एरिया का हेडक्वार्टर है एक तरह से रीवा, वहां मध्य प्रदेश का यह एक मंडल है, यानी कि एक डिवीजन है रीवा डिवीजन, और वह मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट, ठीक है, सिंगरौली से नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, हाल ही में सिंगापुर के फिर से पीएम बनने का चुनाव, इंपोर्टेंट प्रश्न बन गया क्योंकि दोबारा पीएम बने वो, उन्होंने जीता है और वह वहां सिंगापुर के दोबारा पीएम बने, इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखोगे भूलोगे नहीं। तो क्या है इसमें? ली सिन लुंग, ली सिन लुंग जो है दोबारा सिंगापुर के पीएम बने हैं, ली सिन लुंग। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखो, दोबारा और आगे प्रश्न क्या है देखो, समझो आंसर दो। हाल ही में किस राज्य के देहिंग पटकोई वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जाएगा? बच्चों इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी नाइस इंपोर्टेंट प्रश्न। देखो अब वैसे यहाँ आपको यह देखना है कि पटकोई है ना, ये पटकोई बूम पहाड़ियां पड़ती है अरुणाचल प्रदेश और आसाम के बॉर्डर पर साइड में पड़ती है। अगर यहाँ आपको देखोगे यहाँ से प्रश्न निकलेगा, यह दिहांग क्या है? दिहांग वहां रिवर का नाम है, कहां? यह असम अपना, यह भी अरुणाचल प्रदेश में पड़ रही है, ये इस तरह से यह अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है। जब तक आप मैप समझोगे नहीं तब तक सीखना थोड़ा भारी पड़ेगा, मुश्किल पड़ता है बच्चों। ये वाला पार्ट ले लिया हमने अरुणाचल प्रदेश, और इसके नीचे कौन सा वाला पार्ट? यह असम वाला पार्ट, यह असम हो गया। अब देखो यहाँ यह वाला पार्ट यहाँ पड़ता है, दिहांग रिवर आ रही है दिहांग, और यह वाला पहाड़ियां पड़ती है पटकोई की, तो इस वाले एरिया के पार्ट में यहाँ एक वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क बनाया गया है। वो तो क्या था? वो फॉरेस्ट था, पोबा जो था ना वो फॉरेस्ट रिजर्व था, उसे बनाया क्या? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यह जो है दिहांग पटकोई एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था और उसे बना दिया गया नेशनल पार्क, याद रखना। तो अब 105 थे तो 106 हो गए ना, नेशनल पार्क की संख्या एक बढ़ गई है, याद रखना बात को ये, है ना। तो यह वाला पार्ट क्या है? यह दिहांग पटकोई वन्य जीव अभयारण्य अब नेशनल पार्क बन गया, याद रखना, दिहांग पटकोई नेशनल पार्क के नाम से जाना जाएगा। यह असम के अंदर, केरला में, मेघालय में, छत्तीसगढ़ में, तो आप देख रहे हो कि यह अरुणाचल प्रदेश के अंदर की बात ही नहीं है, असम के अंदर पड़ रहा है, ठीक है, ऑप्शन भी नहीं, अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न बच्चों, आगे बढ़िए ना, बच्चे क्या कर रहे हैं, सेम का सेम, अच्छा वेरी नाइस, चलो याद कर लेना, वेरी नाइस, बाद में देना है ना, ठीक। आगे बढ़िए, आंद्रेज डुडा किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने, ये दूसरा इंपोर्टेंट प्रश्न, अच्छा इसीलिए कहा है ना, अच्छा वो आसाम वाला बच्चा कहाँ है अभी, है ना, इसीलिए आया, अच्छा कहाँ है अभी तेरे, ये तो चीजें जान रहा होगा, असम से है, झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है ना, कि मैं आसाम से हूं,
चल आगे चलते हैं। आंद्रेज डूडा किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने? बच्चों पोलैंड की बात है। पोलैंड की कैपिटल क्या पड़ती है? मैं नहीं बोलूंगा, आंसर देना, मैं यहां पर देखूंगा टीवी में देखूंगा कि कौन सी पोलैंड की कैपिटल और कौन सी नदी पर है, दोनों बातें आंसर आना चाहिए यहाँ। देखते पहले कौन देता है। शाबाश बच्चे अभिनव शर्मा, ये बच्चा कुछ करेगा जिंदगी में क्योंकि यह हमेशा पहले आंसर देता है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। वारसा है और वारसा कौन से नदी पर है? तो विस्तुला दीवर के ऊपर है भाई, विस्तुला। बहुत अच्छा, ये पिट्टू कुमार ने आंसर दिया है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, आगे बढ़िए। पोलैंड, क्या नाम है व्यक्ति का? नाम याद रखना है, आंद्रेज डूडा पोलैंड के राष्ट्रपति बने फिर से, है ना। अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न क्या बोलता है देखो। हाल ही में विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया है? 12 जुलाई को। यह मलाला कौन है? मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई वह 13 साल की लड़की जिसको आतंकवादियों ने गोली मार दी थी स्वात घाटी में, लेकिन वह बच गई और उसे नोबेल प्राइज दिया गया था। याद है शांति का, पीस का नोबेल प्राइज भारत के और एक व्यक्ति थे और एक अपने यह अपने मलाला यूसुफजई, दोनों को साथ में दिया गया था ना, विजय ने सकते नाम। आगे बढ़ते हैं। हाँ मलाला यूसुफजई, आगे बढ़िए। 12 जुलाई को। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंस्टाग्राम पर बने सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बन गए? इंस्टाग्राम पर बने सबसे ज्यादा, ना ठीक, क्या नाम है? जॉनसन, रॉकी जॉनसन, रॉक जॉनसन, जाने रॉक जॉनसन। हालांकि कोई इंपोर्टेंट प्रश्न नहीं है लेकिन दिमाग में रखना है क्योंकि इंपोर्टेंट प्रश्न कुछ अलग होते हैं, लेकिन ये न आए ऐसा नहीं कहा जा सकता, आ सकता है लेकिन इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान सकते। अगला प्रश्न है, हाल ही में दलाई लामा, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट, दलाई लामा की आत्मकथा किसने लिखी है? दलाई लामा कौन है? वो व्यक्ति जो तिब्बत में थे और चाइना ने उसके ऊपर जो अटैक किया या उसे हत्याने की कोशिश की, उन्हें मारने की कोशिश की, तो वो आगे भारत में, और भारत में वह बोमडिला दर्रे से होते हुए आए और फिर बाद में उनको जो बसा दिया गया, कहाँ पर? धर्मशाला में बसाया नहीं, वो भूटान से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आए थे, याद रखना, क्योंकि वहां एक बौद्ध धर्म का बड़ा मठ है, बहुत बड़ा, और उसका नाम है त्वांग, त्वांग मठ के पास से वो एरिया से आए थे। नाम क्या है जिन्होंने इनकी आत्मकथा लिखी है? तो तेंजिन गाय टेथोंग, याद रखना नाम, तेंजिन गाय टेथोंग, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय ने 30 सेकंड में एक पैर पर, ये अच्छा रिकॉर्ड बनाया है इसलिए प्रश्न इंपोर्टेंट बन गया, 30 सेकंड में एक पैर से 101 छलांग लगाने का गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज किया है? नाम है बच्चों सोम मुखर्जी, याद रखना प्रश्न इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज किया है, इसलिए आप लोगों के कंपटीशन में यह इंपोर्टेंट प्रश्न बन गया है, बिल्कुल। आगे बढ़ते, सोम मुखर्जी का नाम है, याद रखो। अगला प्रश्न है बच्चों, इनमें से किसे हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इनमें से ज्ञानेंद्रो निगोमबाम, अभी अभी वहां पर एक, यहां पर क्या हुआ, एक डिस्प्यूट हो गया था और मोहम्मद अब्दुल करके कोई नाम के एक मुस्लिम जो इसके पद के ऊपर थे अपने हॉकी इंडिया, 2009 के अंदर यह हॉकी इंडिया बना है, याद रखना, यह हॉकी इंडिया 2009 में बना है और हॉकी को ये मैनेज करने का काम है, जो भी जो है हॉकी सी प्रतियोगिता होती है इंटरनेशनल नेशनल, उनको सबको ये कंट्रोल करने का काम है, तो उन्होंने क्या कर दिया, दिया पद से त्याग पत्र दे दिया। तो मणिपुर के रहने वाले, याद रखना ये मणिपुर से है, क्या नाम है इनका, ज्ञानेंद्रो निगोमबाम, तो ये मणिपुर से है और इन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष के पद के ऊपर इन्हें नियुक्त किया गया है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना ये। बस ये आपके प्रश्नों की कड़ी खत्म हुई, यह सारे इंपोर्टेंट प्रश्न जो थे जुलाई महीने के हैं ये, तो अभी जुलाई के उसके बाद जून के अप्रैल के सारे अलग अलग प्रश्नों का कलेक्शन करके आपको यहाँ बताया जाएगा। ध्यानचंद गुरु, आप तो हॉकी का जादूगर है, गुरु क्या, पूरा का पूरा जादूगर, ठीक है, तो आपको इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। इसमें खास खास प्रश्न जो मैंने बताया उसको टिक करो, जरूर कर देना, इनको पीडीएफ सेंड नहीं की गई है, वो इनको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, चिंता न करें, हिस्ट्री की नहीं हिस्ट्री की भी कर देंगे, और ये वाला पार्ट किसका कौन सा बचा था, करंट अफेयर्स वाली, ये भी आपको सेंड कर दी जाएगी। अब कुछ प्रश्न करेंगे हम, जो
कल की क्लास के अंदर हमारे रह गए थे, यानी कि वो प्रश्न जो मिक्स वाले थे, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को, तो उनको प्रश्नों को हम देखते हैं। कौन सा सेट था? 18 था। अच्छा देखते हैं फिर उसको आगे। अच्छा ये तो कल की क्लास के अंदर डिफेंस की एक्सरसाइज की भी देखते हैं, डिफेंस की एक्सरसाइज के बारे में भी अभी बातचीत करते हैं, टुडे के अंदर देखते हैं, शायद यहां मिल जाए 19वां था। चलिए कुछ प्रश्न, हाँ यहां हम रुके थे ना, वापस मैं रिपीट करा देता हूँ, 2 मिनट के अंदर ध्यान से समझना, जल्दी जल्दी चलूंगा और ध्यान यहां रखना ताकि जल्दी से जल्दी आपके सारे प्रश्न हो जाएं। स्टार्ट करते हैं क्लास को प्रश्नों का, मिक्स प्रश्न, ठीक है, मेरे साथ बने रहना और आंसर दो फटाफट, जल्दी जल्दी देखते जाएंगे। कैक्टस, कैक्टस कहां उगते हैं? तो कैक्टस उगते बच्चों जेरोफाइट ना। अगला प्रश्न क्या है देखो, इनमें क्या नवीकरणीय संसाधन नहीं है, जो कौन सा दोबारा पैदा नहीं किया जा सकता है, खत्म हो जाएगा एक बार में, थोरियम। नेक्स्ट अगला प्रश्न है क्या, देखो अगला प्रश्न क्या, इनमें से कौन सा सही है, हमने कहा था इसके बारे में कि महादेव की पहाड़ियां जो मैकाल की पहाड़ियों के वेस्ट में पड़ती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, इसके अलावा कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, इसमें काजान नदी जो है बोर्नियो में नहीं है, इसके बारे में देखा था हमने। नेक्स्ट अगला प्रश्न, कौन सा जो है संसाधन नवीकरणीय योग्य है, यानी कि उसे वापस बनाया जा सकता, कौन सा है, इमारती लकड़ी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फर्न एंजियोस्पर्म में कितनी ग्रीवा नाल होती है, सेल्स कितनी होती है, 1। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, एंजियोस्पर्म वाहिका रहित होता है, कौन, टोकोडेंड्रॉन जो होता है, इसके अंदर वेसल्स नहीं होती है, ऐसा एंजियोस्पर्म में। बच्चों किसी ने कहा था कि एंजियोस्पर्म क्या होता है, इसके बारे में हमने बातचीत की थी कल। आगे बढ़ते हैं, संलिप प्रक्रिया के द्वारा यानी कि सीजेरियन के द्वारा पहला बच्चा कौन सा जन्म हुआ था, ऑपरेशन प्रोसेस के द्वारा, तो नामी सीजर है, ठीक है ना। भारत में कौन हुआ, इंपॉर्टेंट बात, तो भारत में बच्चों बिंदुसार जो किसका बेटा था, चंद्रगुप्त मौर्य का और अशोक का पिता था, बिंदुसार सीजेरियन से पैदा होने वाला पहला किंग है, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है मिर्मिकोलॉजी क्या है, मिर्मिकोलॉजी का मतलब चींटियां यानी एंट्स का स्टडी करना मिर्मिकोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, और राष्ट्रीय पोषण संस्थान यानी न्यूट्रिशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ पड़ता है, हैदराबाद में पड़ता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार बदल रहता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो है वो क्या बताता है, वो अल्टरनेटिव करंट को बताता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, कल बच्चों इस प्रश्न को काफी बच्चों ने रॉन्ग कर दिया था, बहुत अच्छा सही चल रहे हैं, वेरी नाइस। तो इसमें क्या है, विद्युत शक्ति की इकाई पावर की इकाई, तो पावर की इकाई क्या होती है बच्चों, हमेशा वाट होती है, ठीक है, और किलो वाट घंटा, या इसे मल्टीप्लाई हो गया टी से, इसका मतलब ये क्या वर्क या एनर्जी की है। अगला आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर के अंदर प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस कितना होता है, तो लगभग कितना होता है, 10^3। किसी ने कहा था कि 1000 ओम होता है, तो बात सही है बच्चों, 1000 ओम और 1 एक ही तो बात है, 1×10^3, 3 का मतलब क्या है, यानी 3 0 लग गए यानी 1000 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कुछ पदार्थों का अति ताप पर, बहुत ज्यादा ताप पर, बहुत नीचे ताप पर क्या हो जाता है, वह उसके अंदर धारा जो है प्रतिरोध जो शून्य हो जाता है, यानी रेसिस्टेंट रहता ही नहीं, उसे क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, CPU का कौन सा भाग जो प्रोग्राम के अनुदेशों का निष्पादन करने का काम करता है, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार के अंदर लाया गया था, तो इप्सन था, याद रखना ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पीतल में क्या होता है और तांबा और जिंक होता है, पीतल में क्या होता है, तांबा और जिंक, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है देखो, अगला प्रश्न है, लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल चीज कौन सी होती है, तो सबसे शुद्ध वाणिज्य कॉमर्शियल जो है, प्योरेस्ट कॉमर्शियल जो है, वह पिटवा लोहा यानी कि रॉट आयरन के बारे में। और अगला प्रश्न का आंसर आप दोगे, और देखो आंसर क्या बोल रहा है, आंसर क्या कह रहा है, जल्दी से देखें, इसमें कहा गया है कि किसका जो है लेपन क्या, उसे गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है, तो गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है जब उसके ऊपर जस्ता यानी जिंक का हम क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, उसे क्या कर लगेगा, उससे बच्चों जंग नहीं लगेगा, ऐसा क्यों करते हैं, रस्टिंग ना हो, इसके कारण ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न,
अब यहां से स्टार्ट करनी। कल की क्लास को मैंने यहाँ छोड़ा था, अब इससे आगे बढ़ते। देखो इनमें से किसे विलयन भी कहा जाता है। विलयन यानी क्या है, वह सॉल्यूशन बोलते हैं इसे। देखो यौगिक कंपाउंड और सॉल्यूशन तो डिफरेंट है बिल्कुल। उसके अलावा होमोजीनियस मिक्सचर या हेटरोजीनियस मिक्सचर या सस्पेंशन, तो बच्चों सस्पेंशन बिल्कुल रॉन्ग है। यौगिक ये भी कंपाउंड भी नहीं, सॉल्यूशन कैसे कह सकते हैं। समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण, अब इन दोनों के ऊपर आंसर जाएगा। लेकिन एक सही अनुपात में अगर हमने उसका जो है रेशियो बराबर रखा तो वह होमोजीनियस मिक्सचर होगा और उसे हम सॉल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में आंसर जाएगा, समांगी मिश्रण इसका आंसर है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगला पार्ट। देखिए कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं के निकट के रूप से संबंधित होते हैं, अंतर्विष्ट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है। आंसर बहुत, प्रश्न बहुत अच्छा है और इसका आंसर देखो क्या बोला जाता है, किसे यानी कि वो सेल्स जो क्लोजली एसोसिएटेड किससे, इंटरेक्टिंग विद गार्ड सेल, उसे क्या बोलते हैं। तो बच्चों इसको थोड़ा सा समझना है, पहले तो गार्ड सेल होती क्या है तो इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो जैसे हम बात करते हैं लीव्स है, मान लिया यह पत्ती है, लीव्स पत्ती, और इस लीव्स के ऊपर का ये अपर सरफेस है, उसके नीचे लोअर सरफेस है। तो लोअर यानी नीचे की सरफेस हम बात करते हैं, उस सरफेस पर स्टोमेटा होते हैं। क्या होते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा का मतलब क्या होता है, रंध्र, रंध्र होते हैं, और उसी के द्वारा क्या होता है, गैसेज एक्सचेंज होता है, गैसें आती है और जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात। तो यहाँ जो स्टोमेटा होता है, इस स्टोमेटा को मैं यहाँ ले लूं, इस स्टोमेटा को यहाँ ले लूं, जैसे यह एक स्टोमेटा है, मान लिया ये स्टोमेटा। अब ध्यान से सुनना इसको, अब इस स्टोमेटा के अंदर क्या होता है, यह एक रंध्र होता है, यह हॉल है या इस स्टोमेटा के पार्ट है। अब इसमें क्या होता है, यह दो गार्ड सेल से मिलकर बना होता है, यानी गार्ड सेल कितनी, दो। एक गार्ड सेल कौन सी, इधर वाली, एक गार्ड सेल ये। अब ये गार्ड सेल जो है अगर ये पिचक जाएगी मतलब यह अगर पिचक जाएगी तो क्या होगा, रंध्र खुल जाएगा। ये भी पिचक है, इसका मतलब ये हॉल है, ये क्या होगा और चौड़ा हो जाएगा, इसका मतलब खुल गया। याद रखना, यदि टर्जिड हो जाएगी तब तो यह क्या हो जाता है, तब तो यह बंद हो जाता है, क्योंकि टर्जिड का मतलब फैल जाने से, तो यह फैल गई ना, यानी यह छोटी सी तो फैल गई तो बंद हो गया। और अगर यह प्लासिड हो गई यानी कि यह अगर सिकुड़ गई तो वह रंध्र खुल जाएगा। और इससे जुड़ी हुई वह होती है सब्सिडरी सेल्स। सब्सिडरी सेल्स जो है इसकी मदद करने के लिए रहती है। तो याद रखना सब्सिडरी सेल का संबंध किससे, इतना लंबा काम है, यह गार्ड सेल या द्वार कोशिकाओं के निकट रूप से संबंध है और उसके अंदर होती है सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, याद रखोगे प्रश्न को, आंसर क्या गया, सी। अगला प्रश्न देखो क्या बोल, स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है, यानी स्टार्च जब तक शुगर में नहीं बदलेगा, जब तक स्टार्च जो शुगर का मतलब क्या हो गया, शुगर का मतलब हो गया कि वह ग्लूकोज के अंदर, माल्टोज में, सुक्रोज में, किसी के अंदर नहीं बदलेगा, तब तक क्या होगा, तब तक द्वार जो है वह खुलेगा नहीं बच्चों, द्वार खुल नहीं सकता है। अभी अभी कहा मैंने, जैसे कि हमने कहा, देखो वापिस समझो इसको, ये वाला जो पार्ट जो था किसका, स्टोमेटा का, ये वाला पार्ट, तो ये स्टोमेटा का पार्ट यानी ये क्या है, स्टोमेटा। तो ये कौन सी, गार्ड सेल, ये भी गार्ड सेल। अब गार्ड सेल के अंदर क्या होता है, उसके अंदर स्टार्च है। अब स्टार्च क्या है, वह तो जो है पॉलीसेकेराइड है, तो पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड में बदलेगा। मोनोसेकेराइड का मतलब क्या हो गया, हो सकता है वह ग्लूकोज हो, वह फ्रुक्टोज हो, और कुछ भी हो सकता है, पॉलिस ना ऑलिगोसेकेराइड भी हो सकता है। लेकिन यानी जब तक वह शुगर नहीं बदलेगा तब तक वह इधर उधर सोल्यूबल नहीं होगा, इधर उधर जाएगा नहीं, तो वह सेल जो है वह पिचकेगी नहीं, और जब तक पिचकेगी नहीं तब तक द्वार खुलेगा नहीं, यानी स्टोमल ओपनिंग से संबंध है। बायो का प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, और ऐसे ही आ रहे हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न देखो क्या है, मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, आसान है, आप देखते इसका आंसर लगा सकते हैं, इसमें कोई खास ऐसा था नहीं कि जिसे, हाँ तो देखो क्या क्या गया, मृदा अपरदन सॉइल इरोजन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, पक्षियों की संख्या बढ़ानी चाहिए, पक्षियों को बढ़ा के क्या मतलब निकलेगा वहां सॉइल को रोकने से, तो अफॉरेस्टेशन यानी कि क्या लगाना है, पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा उगाना है। बिल्कुल ठीक है, वनस्पतियां हटाएंगे काटोगे तब तो और खत्म हो जाएगा काम मामला, अतिचारण ओवर ग्रेजिंग करोगे तो भी सॉइल इरोजन बढ़ेगा। आंसर क्या गया, ए बी गया, क्या होगा, अफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण क्या लिखा है, वायु, हाँ, एयर पॉल्यूटेंट, नेचुरल सोर्सेज ऑफ द एयर पॉल्यूटेंट, यानी कौन सा, बहुत अच्छा प्रश्न है, यह बढ़िया प्रश्न है। तो एयर पॉल्यूशन जो है इसका नेचुरल कारण क्या है बच्चों, इनमें से देखो, तो अगर आग लगेगी कहाँ, फॉरेस्ट में, उसे कहते हैं दावानल, तो उसे जो है एयर जो पॉल्यूट होगी,
इसका इतना तो कोई खास असर नहीं पड़ेगा, है ना, पड़ता होगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं। दूसरा, ज्वालामुखी उद्गार की बात की जाए, बिल्कुल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, ज्वालामुखी जब वोल्केनो इरप्शन होगा तो उसके रेत के कण, धुआं और अलग अलग प्रकार की गैसेज ऊपर जाएगी जिससे वह एयर पॉल्यूट हो जाएगी, बिल्कुल सही, ये क्या नेचुरली, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, किस खेल में बुल्स आई का प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, और एग्जाम में यह आता रहता है। कौन सा है वह, किसके अंदर बुल्स आई? बुल्स का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ वाला बुल्स का मतलब सांड है और आई का मतलब उसकी आंख, तो आंख में क्या लगाना है, निशाना लगाना है, आंख में निशाना का मतलब क्या है, शूटिंग, तो शूटिंग में याद रखना, तो बुल्स आई याद रखना, भूलना मत, ऐसे प्रश्न आपके कंपटीशन में बहुत ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट आगे, पेब्लो पिकासो, पेब्लो पिकासो क्या है ये? तो ये एक बहुत बड़ा पेंटर से शाहना, और यह कहाँ का रहने वाला है? तो पिकासो जो है वो उसका संबंध किसे, मॉडर्न आर्ट से संबंध है इसका, और यह फ्रेंच यानी फ्रांस का रहने वाला है बच्चों, पिकासो, पेब्लो पिकासो, बहुत हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम रहा हुआ है इसका ना, अलग अलग इसकी पेंटिंग के कई, इसकी पेंटिंग कितनी बहुत महंगी बिकती थी। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नियामक है? बहुत आसान प्रश्न, इसमें कुछ करना ही नहीं था आपको। अच्छा, यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मतलब है क्रेडिट देने वाली व रेट देने वाली एजेंसियों का कंट्रोल कौन करता है? तो सेबी है बच्चों, सेबी, सेबी करता है, हाँ, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करते हैं, सेबी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नैस्डैक, नैस्डैक में सूचीबद्ध किसको किया गया? भारत की पहली कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आने लायक है बच्चों, आने लायक है, कंपटीशन में आता ही है। तो नैस्डैक पहले तो कहाँ की है, नैस्डैक क्या है, एक शेयर कंपनी, अब कहाँ की है वह इसको समझना है, कहाँ की नैस्डैक, जापान की है कि कहाँ की देखना है, किस पहली भारतीय कंपनी को नैस्डैक में सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। तो सूचीबद्ध किसको किया गया है, इसमें से इंफोसिस, इंफोसिस को किया गया बच्चों, ठीक है, हाँ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, आंसर दो, आरबीआई का स्वामित्व किसके पास है? आरआरबीज ना, हाँ, रूरल बैंक से, ये सारे रीजनल रूरल बैंक्स, इनको इनका जो है किसके पास है, इसको ओवंड कौन करते हैं, उनके बारे में प्रश्न पूछा गया है, तो इनको ओवंड कौन करता है, देखते हैं इसका आंसर क्या है बच्चों। तो आरआरबीज को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर्स बैंक या जॉइंटली बाय ऑल द एबव, बिल्कुल ठीक है इसने, ये सभी मिलकर के इसको करते हैं बच्चों, सभी मिलकर के करते हैं ना, याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट क्योंकि वह क्या है, आरआरबी या रूरल बैंक है, रीजनल बैंक है, तो वहाँ स्टेट भी उसकी मदद करेगा, स्पॉन्सर किसको कर रहा है वो भी करेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी करने का काम करती है क्योंकि फंडिंग देने का क्या कर रहे हैं ना, हाँ। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या है, मॉनिटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी इज अनाउंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी मौद्रिक और उधार नीति के बारे में एक प्रश्न है, ये घोषित किसके द्वारा की जाती है? तो देखो और समझो इसको, कौन सा इसका आंसर हो सकता है, आरआरबी अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है मौद्रिक मॉनिटरी पॉलिसी को और क्रेडिट पॉलिसी को वह घोषित करती है, आंसर है इसका कौन सा बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, किसी देश की राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है? याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बच्चों, ये भी आता रहता है एग्जाम में, तो कौन सा है देखो, इनमें से कौन सी इनकम मेथड है, आउटपुट मेथड है, इनपुट मेथड है, इन्वेस्टमेंट मेथड है, तो इसके अंदर बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट मेथड, निवेश पद्धति को यूज में लाया जाता है, क्योंकि निवेश कब ज्यादा होगा, निवेश तब ज्यादा होगा जब डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, तो लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करने का काम करेंगे, और इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे इसका मतलब क्या होगा, निवेश पद्धति से पता चलेगा कि इनकम बढ़ रही है कि कैसे बढ़ रही है, यानी राष्ट्रीय आय बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, ठीक है, याद रखना निवेश पद्धति। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, ई बैंकिंग में ई अक्सर क्या घोषित करता है, ई बैंकिंग में ई अक्सर क्या घोषित करता है, यानी ई का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक है, बैंकिंग, सी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन वाज द लीडर ऑफ, अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक है ये भी बच्चों, आता रहता है ये भी। देखो इसमें एक व्यक्ति का नाम दिया गया और उसका आंसर बताना है क्या चीज है, तो
प्रोफेसर मिल्टन जो है, फ्रीडमैन जो है, किसके लीडर है? शिकागो स्कूल के लीडर है। शिकागो स्कूल इकोनॉमिक्स स्कूल से संबंधित एक है ना, याद रखना है। शिकागो कहाँ पड़ता है? शिकागो अमेरिका में पड़ता है, अमेरिका में मिशिगन झील के तट पर स्थित है, साउथर में, याद रख, मिल्टन याद रखोगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनमें से क्या देश के सेंट्रल बैंक द्वारा दिए जाने वाले उधार के लिए गुणता नियंत्रण नहीं है? सेंट्रल बैंक की बात की गई है, उधार जो दिया जा रहा है उसे गुणता नियंत्रण नहीं है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन को ढूंढना है और आंसर देना है बच्चों। देखिए पहला देखो ऑप्शन, दूसरा देखो ऑप्शन, कौन सा सेट बैठ रहा है आपका? तो देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया जाने वाला उधार के लिए गुणवत्ता कौन सा नहीं है? उधार राशि नियमन या क्रेडिट रेशनिंग की बात है, ठीक है। उपभोक्ता उधार का विनियमन, ये भी ठीक है। वेरिएशन ऑफ द रिजर्व रेशियो, यानी रिजर्व रेशियो को जो है वेरिएशन उसके अंदर आएगा, तो यह गुणवत्ता नियंत्रण में नहीं है। आंसर बच्चों इसका सी गया है, इसका सी, यानी रिजर्व अनुपात में परिवर्तन होगा तो इसे उसकी गुणवत्ता नियंत्रित नहीं हो सकती है सेंट्रल बैंक के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जिस बाजार से ऋण के रूप में धन प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है बच्चों। यानी कि जिस बाजार से ऋण के रूप में धन प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उस वाले को क्या बोलते हैं? मार्केट। कैसा मार्केट है वह? मनी मार्केट। यानी जिस बाजार से ऋण के रूप में धन प्राप्त करते हैं, यानी क्या है? ऋण कहां से मिलेगा? मुद्रा के रूप में। सी इसका आंसर बच्चों, यानी कि मनी मार्केट है, उसे धन प्राप्त किया जा सकता है, याद रखना। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न। यदि हास्यमान दर पर सीमांत प्रतिफल बढ़ जाता है तो कुल प्रतिफल क्या होगा? यानी कि इफ द मार्जिनल रिटर्न इंक्रीज एट द डिमिनिशिंग रेट द टोटल रिटर्न क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। हास्यमान दर पर सीमांत प्रतिफल बढ़ता है तो कुल प्रतिफल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखो, इसको भी समझे और आंसर दे। द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपने इंक्रीजिंग रिटर्न मीन्स, वर्तमान प्रतिफल नियम का अर्थ क्या होता है? वर्तमान प्रतिफल नियम का अर्थ होता है बच्चों डिक्रीजिंग कॉस्ट। जब होती है, जब कॉस्ट डिक्रीजिंग होती है यानी लागत घट जाती है, तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न मीन्स, ठीक है, याद रखना। यानी कि बी इसका आंसर सही है, डिक्रीजिंग कॉस्ट, वर्तमान प्रतिफल नियम। प्रतिफल का मतलब क्या होता है? इनवर्स की बात कह सकते हैं ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते, रिटर्न की बात। अगला प्रश्न पॉलिटिकल साइंस का है, देखो क्या है। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, और एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है पॉलिटिकल साइंस। आप इसका आंसर निकालना है और बताइए इसका आंसर क्या होगा। मंत्रिमंडल किसको बोलते हैं? मंत्रिमंडल प्रणाली का मतलब क्या होता है? यानी कि कैबिनेट सिस्टम क्या है? कैबिनेट सिस्टम हम भारत वालों ने ब्रिटेन से लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसे अपना स्थान दिया है। और मंत्रिमंडल प्रणाली का मतलब होता है डूबेंगे तो साथ साथ और तैरेंगे तो साथ साथ। इसका मतलब होता है कि पूरा का पूरा कैबिनेट जो है कलेक्टिवली यानी सामूहिक रूप से वह लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, क्योंकि वह लोकसभा से उठ के आया है, ठीक है ना, याद रखना। तो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व यानी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, याद रखना। इसका बी आंसर है, बहुत अच्छा, काफी बच्चों ने आंसर सही दिया है बच्चों, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष विधान में क्या होता है? यानी कि डायरेक्ट लेजिस्लेशन इन स्विट्जरलैंड में क्या होता है? और नेचुरल ग्रोथ, सहज संवृद्धि होती है, सहज संवृद्धि होती है। डायरेक्ट लेजिस्लेशन इन स्विट्जरलैंड हैज अ नेचुरल ग्रोथ, सहज वृद्धि से संबंध है इसका ना। देखें अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, यह वाला पार्ट, यानी कौन सा? पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट। कल मैं इस वाले टॉपिक को लूंगा, गवर्नमेंट क्या होती है, यानी पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करूंगा। क्या पढ़ेंगे उसके अंदर? गवर्नमेंट क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन कितने पार्ट है, उसके कितने शेड्यूल है, उसके कौन कौन से जो अमेंडमेंट्स हुए हैं और कौन कौन से उसके आर्टिकल हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बैठी और उसने जो वह कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनके बारे में बच्चों हम सब बातें चीतें करेंगे, ठीक है। तो आज हम क्लास को यहीं रोकते हैं
और कल की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट चलेगा, स्टार्ट होगा, आपके प्रैक्टिस भी चलती रहेगी, आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी, चिंता ना करें और पढ़ते रहें, ठीक है। तो आप लोगों से लेता हूं मैं विदा। जय हिंद, जय भारत।